अड़ंगेल बहुत खूबसूरत है, जैसा सुना था वैसे ही पाया है। केल के अंदर एक बुरी खबर, डोली लिफ्ट ख़राब हुई हुई है, आज सुबह ख़राब हुई है, और जितने सियाह हज़रात हैं वो सारे बेचारे पैदल जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अड़ंगेल, नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर। पहुंच चुके हैं जी अड़ंगेल, और बहुत मुश्किल सिचुएशन से होके पहुंचे हैं। डोली इनकी ख़राब हो गई है और आवाम जलील हो रही है, और जलील होते होते सारी आवाम पहुँच गई है डोली के ख़राब होने के बाद। भाई हमारा आया साथ, बताएगा कैसा एक्सपीरियंस रहा जी जो आप पैदल आए हैं, और क्या पैगाम देना चाहेंगे खुआरी के वाले? नहीं, इतना खुआरी नहीं है, देखें आप क्या आए हैं, ठीक है, थोड़ा सा मसला है, न्यू बंदे के लिए मुश्किल है। नहीं, जो कीचड़ था वो औरतें स्लिप हो रही हैं, वो भी तो बताएं ना सर। वो जाते हुए हो रही हैं, जाते हुए का मसला है। वापसी पे ना, वापसी पे हो रही है। वापसी पे। अच्छा, तो इसलिए आपको, अगर आपको इतनी गाइडेंस नहीं है तो बराए मेहरबानी आप ना ही आए तो बेहतर है। गाँव कैसा लगे? धूप निकल आई है, बाकी आगे एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। तो अभी जी हम आगे जी एक्सप्लोर कर रहे हैं जी अड़ंगेल को। ये अड़ंगेल के टेंट सर्विस जिसमें आप रात गुजार सकते हैं, अड़ंगेल। ये अड़ंगेल के टेंट सर्विस है जो कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मुझे लगी, और सुने 1500-2000 में ये आपको नाइट के लिए टेंट मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ जो साइड एरियाज हैं, यहाँ पे मस्जिद माशाल्लाह। अच्छा, अभी जो साइड के एरिया है ना उसको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो आबादी के बीचों बीच गुजर रहा हूँ जी। यहाँ का गवर्नमेंट बॉयज स्कूल, यहाँ का बहुत सरकारी स्कूल है जी अड़ंगेल। और अभी वादी के अंदर से हम लोग गुजर रहे हैं, और बाहर निकल के एक साइड की जो ब्यूटी है वो दिखाता हूँ आपको, साइड एरिया की। ये है अड़ंगेल। अच्छा, ये हमने इस वादी से बाहर जाना है, वो सामने एरिया में यही जाएगी ट्रैक, ये जाएगा ये। हाँ, ये वादी से बाहर बाहर, ठीक हो गया जी। अभी मैं आपको देकर जाऊँगा इंशाल्लाह सामने वाले एरिया में जो कि आबादी से बाहर है, और ये जो है यहाँ की मशहूर मस्जिद की तरफ निकलते जाएंगे, और ये यहाँ पे गेस्ट हाउसेज वगैरह होटल वगैरह बने हुए हैं आपको दिखाएंगे। ये सामने टेंट विलेज, 1500-2000 में आपको यहाँ पे टेंट मिल जाता है, ठीक है। एंड अभी चल रहे हैं हम आगे, और आपको जगह दिखाते हैं। हाँ जी जनाब, तो देखते जाएं, ये ट्रैक है और ये अड़ंगेल हम घूम फिर रहे हैं। अच्छा, एक और बात सुनने में आ रही है, वो कहते हैं जी लिफ्ट जान के बंद की हुई है ताकि लोगों को यहाँ पर डबल ट्रिपल देने पड़े पैसे। क्या पता अब क्या सच्चाई है, होना तो नहीं चाहिए, ना इसमें हो सकता है, अगर हुआ तो बहुत बुरी बात है, हम तो यही कहेंगे। दिस इज अड़ंगेल, वादी नीलम की खूबसूरती। अच्छा, यहाँ पर जितने गेस्ट हाउस और ये होटल बने हुए हैं ना, ये लकड़ी की कंस्ट्रक्शन है, लकड़ी से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हुए, ठीक है जी। और उतरने का रास्ता थोड़ा सा टफ, ये भी ये देखें जी, ये देखें,
ये देखिए जी, सारी लकड़ी की कंस्ट्रक्शन है। मॉडर्न गेल बहुत खूबसूरत है, जैसा सुना था वैसे ही पाया है। और जगह जगह गेस्ट हाउस और दूसरी कंस्ट्रक्शन जो है ना, सारी लकड़ी की है। ठीक है जी, मेरी बैक साइड पे यड़ंग के लिए सारा, और नीचे की तरफ अभी जाने लगूँ नीचे वाली साइड पे। यहाँ से बाहर निकलूँगा, जो बैक साइड पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं उस साइड पे जाने का इरादा है। तो देखते हैं वहाँ पर क्या समाचार है। आ जाए मेरे साथ। फसलें भी लगी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, गेस्ट हाउस काफ़ी बड़े बड़े हैं, लकड़ी की कंस्ट्रक्शन के बने हुए हैं। चिनार गेस्ट हाउस मेरे सामने, इस तरफ हमने जाना है। यार ये रास्ता जो खेतों की तरफ, ये वाला रास्ता है, ये रास्ता है, और यहीं से चले जाएंगे। आपको व्यू करवाते हैं फिर वहाँ से। पहले जो लोग आए वो ये कहते हैं जी कि जब आप पढ़ने के आते थे ना ऊपर वाली साइड पे, तो एक व्यू होता था। अब वो कहते हैं व्यू छुप गया। व्यू कहाँ छुप गया? व्यू बैक पे छुप गया, बैक साइड पे होटल्स की। स्लीपिंग बहुत है, थोड़ा सा एक जगह गिरा भी हूँ मैं कीचड़। ये देखें, बहुत खूबसूरत है, कोई शक नहीं है यार, लाजमी है जब भी कश्मीर आए अड़ंग केल का टूर कंप्लीट करें। अगर आप यहाँ नहीं आए ना, कश्मीर का ट्रिप अधूरा है। वेलकम टू अड़ंग केल। ये देखें गाइस, अब मैं अड़ंग केल के जो होटल छोटे हैं उनसे काफ़ी दूर की तरफ निकल के काफ़ी दूर आ गया हूँ, क्योंकि मैंने जाना है ओपन ग्रीन एरिया में। ये देखें, क्योंकि कहते हैं ये जो ब्यूटी है ना, ये यहाँ पे रह गई है पीछे। आगे होटल्स आ गए हैं तो वो व्यू आपको नहीं मिलता, तो व्यू देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा इन साइडों पर। माशाल्लाह से ये जो पहाड़ हैं अड़ंग केल के, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। अब ये भी कोई फसल लगी हुई है, इस पुल के ऊपर से चल के सामने जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने पुल क्रॉस कर लिया जी। ये फसल लगी हुई है, और ये देखें जी, ये यहाँ पे तकरीबन सारे जो है ना गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, जो आपके नाइट स्टे के लिए रखे हुए हैं। आप यहाँ पे आके नाइट स्टे कर सकते हैं। कराची से काफ़ी लोग आए हैं। ये देखें, लश ग्रीन एरिया आ गया, ग्रीन ट्रैकिंग। खूबसूरत इलाका। मुझे
ये सामने जी पहुंचने वाले हैं ग्रीन एरिया में, लश ग्रीन। छोटे छोटे ये नदी नाले यहाँ पे आपको हर जगह नजर आएंगे। ये भी हम क्रॉस करने लगे हैं जी, ये पुल बना हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पुल क्रॉस कर लिया। स्लिपिंग यहाँ पर भी है तो थोड़ा एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे आप आएंगे आपको कुछ ऐसा व्यू नजर आएगा। ये है जी अड़ंकेल का खुला डुला मैदान। अब जनाब केएल के गेस्ट हाउसेज और होटल्स वाली साइड पे मैं जा रहा हूँ। ये वही पुल जहाँ से मैं गुजर के आया था और आखिरी ब्रिज है ये, इसको क्रॉस कर लिया है और इसके बाद हम आपको कुछ और इनके गेस्ट हाउसेज दिखाएंगे जो बने हुए हैं। कश्मीर का झंडा सामने, कश्मीर का झंडा और ये गेस्ट हाउसेज। अच्छा अड़ंकेल में ना जो मैंने चीज़ नोट की है ना, इसको पहाड़ों ने घेरा हुआ है। ठीक है जी, इसको पहाड़ों ने घेरा हुआ है और मैं रिजाज रास्ता ढूंढ रहे हैं। अगर रिजाज साहब रास्ता ढूंढने के कहाँ से जाएंगे, सब्जियाँ लगी हैं। रिजाज उस साइड पे जाना है, राइट वाली पे ना, उधर ना। हाँ तो सब्जी के खेत हैं जी, ये भी एक कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये क्या लगे राजी? पता नहीं यार, होटल छोटे ये भी बन रहे हैं जी। होटल बहुत बन गए यार, गेस्ट हाउसेज होटल्स। हाँ बहुत हैवी डॉग भी आया सामने। यस, अभी हम जा रहे हैं जी इस साइड पे। सांस चढ़ा हुआ है क्योंकि बैग में बहुत हैवी पहना हुआ है। ये देखा जी, मैंने आपको कहा था ना जहाँ जाएंगे आपको ये वाले पहाड़ नजर आएंगे अड़ंकेल में। और ये सामने जो ब्लू कलर का टेंट है ना, ये रेंट पे मिलता है, 1500 से 2000 का रेंट होता है। ये देखें जी, ये देखें जी, चेक करें, आज़ाद कश्मीर का, रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का झंडा ही है। ये अड़ंकेल के कॉटेजेस वगैरह बने हुए, ये देखें जी क्या व्यू आ रहा है, क्या ज़ालिम व्यू है, हैं जी। बस ये व्यू देखने लोग आते हैं यहाँ पर, ये ब्यूटी देखने आते हैं, इंजॉय करते हैं। कोई शक नहीं, जगह बहुत प्यारी है। और धूप आज निकली है, कल हम शारदा में थे वहाँ तो बारिश थी, आज धूप निकली है। और अड़ंकेल फिर बारिश पड़ रही है,
ये अभी आपने आवाज़ सुनी है, रिकॉर्ड होगी होगी जा सबकी। तो वो सच कह रहे हैं, वाकई दूर थे। ये देखें जी क्या जबरदस्त जगह है, वाह। चलो क्या वाला जगह है, वाह। फोन किधर था तू? मैं आराम से बैठा हुआ था। ये जनाब ये देखें कितना प्यारा है, यहाँ पे मौसम ने अंगड़ाई ली है। अब कहता ये मजली जाएगी खाली कर, फिर सामान उठा के मुझे मार दिया। कहता उठा इसको, बस अच्छी बात है ना। मैं तो मैं वो एंड तक लेके गया हूँ। दोनों कुछ लगे हुए आपस में, कोई बहस कर रहे हैं दोनों, एजाज और पठान बहस में लगे हुए हैं और इंजॉय भी किया उन्होंने काफी। पठान भी किया, पठान बैठा है, बैठ के भी एंजॉय होता है ना लंकेल में। वो तो कह रहे हैं सोया था। वापसी हो रही है जी केल से, घूम फिर लिया केल जितना घूमना था। कुआरी साहब कैसा लगा आपको केल? यार है तो अच्छा, लेकिन अभी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि थोड़ी धूप कम हो गई है। हां लेकिन रास्ता बहुत हो गया खराब है। कल कह रहे हैं डोली ठीक हो जाएगी। इजाज आपको कैसा लगा? ठीक भी हो जाएगी जी, बिल्कुल लगा अच्छा लगा, लेकिन रास्ता खराब है। रास्ता तो तब के खराब है। आपको कैसा लगा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार, यकीन करो रास्ता बहुत ही आराम से आए हैं। रास्ता जनाब वाकई बहुत खराब था, जिस तरह लेडीज आ रही हैं और जा रही हैं। डोली तो दूसरा हाइकिंग वाला ही रास्ता है। इस टाइम अड़ंगकेल में मौजूद है जी, काफ़ी अच्छा दिन गुजरा है और इजाज़ भी मेरे साथ है, रावलपिंडी से ट्रैवलिंग की है। इजाज़ कैसा लगा है? ठीक है, सफ़र थोड़ा सा मुश्किल है, बकाया तो जगह तो खूबसूरत ही है तकरीबन, खासतौर पर हाइकिंग जो है ना थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा अड़ंगकेल कैसा लगा है? ये जो गांव अड़ंगकेल, ये अड़ंगकेल जो है ना अच्छा है, सिर्फ लोग भी यहाँ के अच्छे हैं। ठीक है, रेट थोड़े कॉस्टी हैं भाई, सीधी बात है, पैसे वगैरह पे ख्याल करें अपना। आप अपना सामान खाने पीने का वहाँ से लेके आए, वो तो हिल स्टेशन पे होते हैं ना, मतलब लेकिन ब्यूटी के लिहाज से कैसा, ब्यूटी के लिहाज से कैसा लगा? ब्यूटी ठीक है, माशाल्लाह ठीक है, यहाँ पे लोग रैश पे। आप कुछ कहना चाहते हैं कैमरे के आगे आकर के दूर ना खड़े हो, ताकि पता चले कि तुसी की कह रहे हो। कैसा लगा जी आपको अड़ंगकेल? बहुत ही अच्छा लगा और मैं मरांडा पी रहा हूँ, इससे मुझे एनर्जी मिलती है और यहाँ बारिश भी हुई है। थोड़ा ऊंचा बोले क्योंकि माइक में नजर आ रहा है, ऊंचा बोलो। लेकिन ये है कि बारिश हुई पर धूप निकल आई है ना। हाँ धूप निकल आई है, धूप की वजह से थोड़ा सा मसला मसाइल बन गए और इंशाल्लाह हम आगे जाके ना खूब एंजॉय करेंगे। अभी और का इनको तो बहुत मजा आएगा, तो बहुत खुश लग रहे हैं। ये भी खुश है भाई, क्यों नहीं असीब भी खुश है। चलो असीब के साथ मेरा फर्स्ट ट्रैवल है, पहला ट्रैवल है। चलिए टांग आ गई बस जी गाइस, अब यहाँ पे अड़ंगकेल का जो वीलॉग ख़त्म हो रहा है और अभी ये वीलॉग हम ख़त्म करके चलते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़। ये हम जी अड़ंगकेल का ट्रैक कर रहे हैं, अड़ंगकेल का ट्रैक से हाइकिंग करते हुए नीचे आ रहे हैं और सामने ये केल का गांव जो बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले नाम ऐसे ना मिक्स हो जाते हैं। ये मैं कह रहा हूँ अड़ंगकेल अलग है, केल है ये, केल है वो, अड़ंगकेल था ये, केल है ये जी केल। और ये अभी भी लोग आ रहे हैं हाइकिंग करते हुए ऊपर से, कर लिए जी कंप्लीट कर लिया आज माशाल्लाह, अड़ंगकेल का ट्रैक भी देख लिया है। तो साथ से ब्यूटी दिखाना करते हैं, थकावट खत्म हो जाती है। ये अड़ंगकेल जाने वाला रास्ता है जी और ये हाइकिंग करके ऐसे जाना पड़ता है आपको। सब लोग हाइकिंग करके अब जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लिफ्ट ख़राब हो चुकी है। और ये भाई साहब डेरेस मेरे फॉर्म से आए हैं बाइक के ऊपर, बहुत लंबा सफ़र करके।
शाम का मंजर दिखा रहे हैं आज, इधर नीलम का मंजर है शाम के टाइम का, क्या खूबसूरत मंजर है। ये रास्ता जा रहा है केल गांव की तरफ, और ये जो ट्रैक हाइकिंग वाला, ये वही ट्रैक है जो ऊपर हड़ंग केल जाता है, थोड़ा सा आगे बल्कि सामने ब्रिज आ ही गया है। ये देखें जो खूबसूरती, मज़ब की खूबसूरती है, क्या बात है भाई, सांस चढ़ गए। बाकी मिलते हैं ऊपर जाके।